पॉपकॉर्न न्यूज के लागा चुनरी में डार्क स्पेशल में अब बात करते हैं कुणाल कपूर की। कुणाल अब कोशिश करेंगे कोंकणा सेन शर्मा का दिल जीतने की। पहली बार यशराज बैनर में काम कर रहे कुणाल कपूर लागा चुनरी में दाग में है कोंकणा के ऑपोजिट। इस रोमांटिक जोड़ी को साथ मिलेगा रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का। लागा चुनरी में दाग ने तलाश की अपने हीरो विवान की और सामने आए कुणाल कपूर, रानी, अभिषेक, कोंकणा और जया बच्चन। ऐसे नामचीन सितारों के बीच कंपैरेटिव न्यूकमर होने के बावजूद कुणाल को गुम होने का कोई डर नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अच्छे एक्टर्स के साथ काम करता हूं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक्टिंग इज अबाउट रिएक्टिंग एंड व्हेन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज रिएक्टिंग रियली वेल यू एंड अप रिएक्टिंग इवन यू नो योर वर्क ऑटोमेटिकली बिकम्स बेटर। लागा चुनरी में दाग में है जबरदस्त बॉन्ग कनेक्शन। रानी मुखर्जी, जया बच्चन, कोंकणा सेन शर्मा और डायरेक्टर प्रदीप तो बंगाली हैं ही, साथ ही अभिषेक को भी थोड़ी बहुत बंगाली आती है, मगर कुणाल इस बॉन्ग कनेक्शन से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। मुझे लगता था आई एम अ पंजाबी इन बंगाल, सब लोग जो उस सेट पे थे सब बंगाली थे और उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि सिर्फ बंगाली में बात करेंगे और मेरे से भी बंगाली में बात करते थे, तो मुझे उनको याद दिलाना पड़ता था कि देखिए मुझे भाषा नहीं आती तो प्लीज आपस में बात कीजिए। लागा चुनरी में दाग है कहानी एक औरत के सफर की। नारी प्रधान इस फिल्म में अभिषेक और कुणाल जैसे मेल एक्टर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा, ऐसी अटकलें वक्त वक्त पर लगती रही, पर कुणाल अपने किरदार को मानते हैं काफी दमदार। मैं एक्चुअली कभी भी पिक्चर को इस तरह नहीं देखता कि ये मेल की आदमी की कहानी है कि औरत की कहानी है, बच्चे की कहानी है। मेरे लिए बहुत सिंपल है, इंस्टिंक्टिवली अगर मुझे लगे कि ये किरदार ऐसा है कि मुझे प्ले करना चाहिए। कुणाल के लिए लागा चुनरी में दाग यशराज कैंप में महज एक दाखिला नहीं, इसके बाद यशराज की अगली फिल्म आजा नस्ले में भी वो दिखाई देंगे और लागा में कच्ची कलियां तोड़ने वाले कुणाल की माधुरी के साथ केमिस्ट्री देखना भी रहेगा दिलचस्प। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।